बाकी समझ नहीं आ रहा धुंध कहाँ से आ रही है बार बार। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, आए हो आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी सी जल्दी जल्दी हो रही है। तो यार अभी एकदम से प्लान बना, भाई का कॉल आया था, एक साथ ही भी जा रहे हैं एक नॉर्मल सी कैंपिंग लोकेशन में, देखो क्या सीन रहता है। बहुत टाइम से चल रहा था उसके साथ कि हाँ जाएंगे यार, अब तो निकल चुके हैं भाई, मिल गया था हमें। तो यार मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा था, जैसे जैसे हमने डिसाइड किया मौसम बहुत सेक्सी हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ से निकले, सामान सामान सारा लिया, खाने पीने का जो भी चीज़ था सब कुछ लगा, बस बूंदाबांदी गिरने लग गई है। देखो अब क्या सीन रहता है, मतलब काफ़ी डेडली मौसम कह सकते हो, ऐसा मौसम हो चुका है इस मौसम में कैंपिंग का, तो खैर मज़ा तो आएगा। देखो वीडियो में क्या सीन दिखता है आपको। तो भाई मौसम तो बहुत तगड़ा बिगड़ चुका है, बारिश होने का नाम भी ले लिया है, बहुत तेज बारिश हो रही है। अब देखो क्या सीन बनता है यार, थोड़ी देर रुकते हैं इधर, तो आधा घंटा तो हो चुका है, देखो आधा घंटा और वेट करते हैं, वरना नहीं रुकेगी तो फिर बारिश में जाना पड़ेगा। जल्दी से आसपास से कोई लोकेशन में देख के कैंप लगा के उसके अंदर ही बैठे रहना पड़ेगा। बाकी बारिश हो रही है बहुत टेढ़ी, मुँह पर पड़ रही है, ऐसे यहाँ से मुँह पर पड़ लिया, अच्छा भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। तो भाई बारिश का मौसम और चाय हमारे पास, तो इसका मज़ा ही कुछ और होता है यार, बारिश का मौसम और चाय। यार मौसम तो सही हो रहा है यार, देखो क्या होता है यार, ये सारी बारिशें लग चुकी है, बरसात ही पहन ली, बाकी भाई ने पानी भर लिया है इसमें, तो चलते हैं अभी। क्या कोई नियर बाई में कोई जल्दी से कोई अच्छी सी लोकेशन मिल गई तो वहीं पर कैंप लगा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर ट्रैवल तो हम कर नहीं सकते बारिश में, और ऊपर से बिजली भी कड़क रही है, तो भाई डर से भी लग रहा है। देखते हैं नियर बाई में कोई लोकेशन मिलती है तो, बाकी अब ठंडा हो चुका है यार, तो पता नहीं कैसे मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ जो भी कि मैं अपर पहन के आया, भाई तो शर्ट में है तो भाई को भी तगड़ा ठंडा हो रहा है, मेरे को तो खैर इतना हो नहीं रहा है। तो यार एक लोकेशन तो हमें मिल चुकी है भाई, अभी देखने गया ऊपर की टेंट लगाने के लिए, थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा प्लेन जगह चाहिए होता है थोड़ा सा, तो उतना मिल जाए, क्योंकि अब ज़्यादा ऊपर जाने में भी फ़ायदा नहीं है, रात भी होने ही वाली है लगभग, मतलब ये मान के चलो कि डिप से अभी थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट बाद पूरा अंधेरा हो जाएगा, फिर सिर्फ रहेगी हमारे पास ऊपर चंदा मामा की रोशनी। तो भाई अपना सारा सामान पकड़ के, टेंट वेंट और स्लीपिंग बैग वगैरह सारा कुछ आइटम लेके अब जा रहे हैं ऊपर लोकेशन पे, और एक बार फिर बारिश स्टार्ट होने लग गई तो भाई फटाफट से जाके टेंट लगाते हैं, फिर मिलते हैं आपको टेंट लगाने के बाद। फाइनली अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, काफ़ी बढ़िया लोकेशन है, देखो तो मतलब जैसा सोचा था वैसा तो मिल गया जगह हमें, तो आज की रात हमारी यहीं रहेगी, यानी बारिश हो गई शायद ये कम से कम 24 आवर तो रहने वाली, तो ये आज का हमारा रहेगा कि 24 आवर रेन कैंपिंग रहेगा। तो बाकी अभी भाई का सेटअप वेटअप लग रहा है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये हमारे अस्सू भाई हैं, तो इन करके इनका चैनल है, तो आप ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे ब्लॉग डालते हैं अरे, और ये कंटिन्यूस ब्लॉग डालते हैं, और मतलब ये पहाड़ की जितनी चीज़ें रहती है, पहाड़ी कल्चर रहता है, वो सारा कुछ दिखाते हैं, तो बाकी इनके चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। तो टेंट लगाते लगाते अंधेरा हो गया, तो फाइनली हमारा टेंट यहाँ पे पिच हो चुका है, शायद दिख रहा नहीं है आपको, तो अब इसके बाद क्या आगे की प्रोसेस होगी हमारी, जो आज के रात के खाने का है, और काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है और काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है, बाकी आप देख सकते हैं मौसम साफ हो चुका है, बाकी ये टेंट लग चुका है हमारा। देखो कितना तगड़ा लग रहा है व्यू पॉइंट आ रहा है पेड़ों के बीच में, तो
आप सोच सकते हो कितनी अच्छी लोकेशन पे आज हम कैंप लगा रहे हैं। और मतलब बहुत एक्साइटमेंट थी यार कि शायद से दूसरा तीसरा टाइम होगा कि मैं ऐसे कैंपिंग कर रहा हूँ नाइट में, मतलब कि कैंपिंग कर रहा हूँ। तो मतलब इतनी ये लोकेशन देख के भाई बहुत मज़ा आ गया, एक नंबर लोकेशन। बारिश ने थोड़ा सा मन तोड़ दिया था लेकिन वो मन अभी ठीक है, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और देखो अभी रात के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी पीछे का ये जो एरिया आ रहा है भाई, एक नंबर एरिया आ रहा है, मतलब बता नहीं सकता हूँ मैं, इतनी तगड़ी फीलिंग आ रही है ना, क्या बताऊँ, बहुत एक्साइटेड। फाइनली हम अपने टेंट के अंदर आ चुके हैं, तो सब रिलैक्स है भाई। अब कोई सीन नहीं, अब बारिश हो जाए, कोई बर्फ़ गिर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा टेंट अच्छी क्वालिटी का है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। माइनस में भी अगर वेदर चले जाएगा तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फाइनली अपने टेंट के अंदर आ चुके हैं। तो यार हमारा तो कैंपिंग में आज मोस्टली दूसरा या तीसरा दिन होगा, तो सुबह का हो गए शायद से 100-150 बार इन्होंने कैंपिंग कर दी होगी, और एक से एक लोकेशन में। तो अब भाई सारी व्यवस्थाएं लेके चलता है भाई के पास, देखो ये बल्ब हो गया। और मतलब अभी ऐसी ऐसी अमेजिंग चीज़ दिखाऊंगा आपको कैंपिंग से लेके, क्या आप कहोगे हाँ यार मज़ा आएगा, क्योंकि एक प्रॉपर जो कैंपिंग होती है सेटअप से लेकर प्रॉपर कैंपिंग के जो इक्विपमेंट होते हैं वो सारे कुछ भाई के पास है भाई, एक नंबर। मतलब दिल खुश हो गया भाई, क्योंकि मतलब कि ये होता है ना कि यार अगर हम कहीं कैंपिंग करने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ भूल जाते हैं या कुछ चीज़, लेकिन भाई ये नहीं, क्योंकि भाई को एक्सपीरियंस है यार, तो भाई सारा कुछ लेके चलता है। तो सुबह यार कुछ बताओ अपने। देखो यार कैंपिंग करनी है आपको तो सबसे पहले तो आपको एक सेफ लोकेशन में करनी है पहली बात, और दूसरी बात वहाँ पर आपको आपके पास लाइट वगैरह की पूरी प्रॉपर आपके पास मैनेजमेंट होना चाहिए लाइट की, और एक जो है सेफ्टी के लिए कोई हथियार वगैरह कोई इक्विपमेंट आपके पास रहना चाहिए। बाकी ये है कोई दिक्कत होती नहीं है वैसे कैंपिंग में, बट जैसे आप कैंपिंग कर सकते हो। तो वही चीज़ मैं भी कह रहा हूँ कि मतलब यार कैंपिंग करना, क्योंकि आज के टाइम में क्या हो चुका है सारा कुछ मॉडर्न हो चुका है, तो भाई कैंपिंग भी मतलब एक तरीके से ईजी भी हो चुकी है और एक तरीके से टफ भी हो चुकी है। अगर तुम हाईएस्ट लोकेशन पर जाते हो तो भाई उतना क्या सामान तुम कैरी कर नहीं सकते हो, लेकिन अगर आप लोकल के एरिया पर जाते हो मतलब कि जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा ट्रैक ना करना पड़े, मतलब ईजी से एक लोकेशन मिल जाए, तो वहाँ पर आपको भाई सारी मतलब इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, क्योंकि भाई यार जानवरों का कोई भरोसा नहीं भाई, कभी भी कोई भी आ सकता है। मतलब हम भी श्योर तो नहीं है कि भाई नहीं आएगा इस लोकेशन पर नहीं आता, लेकिन भाई जानवर है, आधी रात है और कुछ भी, लाइट तो मतलब ये मान के चलो कि आपके पास लाइट की जो सामग्री है वो हमेशा होनी चाहिए भाई। अरे और ये बारिश, और अंदर हम बैठ चुके हैं, माहौल थोड़ा गर्मी का हो चुका है लेकिन थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही है क्योंकि हम थोड़ा बहुत भीग चुके थे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉफ़ी पीते हैं पहले, उसके बाद थोड़ा सा हमारी बॉडी हीट हो जाएगी, उसके बाद हम आगे की खाने की प्रोसेस करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो मैं बोला था कि सुबह के पास सारे इक्विपमेंट रहते हैं यार, तो ये देखो भाई हमारे पास फैन भी था भाई, क्योंकि सुबह मौसम हो रहा था एक नंबर, मतलब टेम्परेचर तगड़ा था, गर्म होने की आशंका थी। और पता नहीं किस्मत से मैं एक अपर भी पहन लाया, पता नहीं मेरे दिमाग में जो चला है कि मैंने कहा चलो अपर पहन लेते हैं। अचानक हमारा प्लान बना था, देखा भी होगा आपने कि भागते भागते मैं आ रहा था। तो सुबह के बाद सारी चीज़ें रहती है यार, और स्टोव वगैरह से लेके सारी कुछ सुबह के बाद चीज़ें हैं, और ये आप इनका हो गया फैन वैन। तो भाई इनके पास A to Z सामान है भाई कैंपिंग को लेकर, दिल खुश हो गया भाई। तो ये है भाई हमारा आज का खाने बनाने का गैस, और ये फैन भी चल चुका है, आनंद आ रहा है भाई, एक नंबर मजा आ रहा है भाई, एक्सट्रीम लेवल कैंपिंग। ये है गाइस हमारा आज जो खाने का मटेरियल है, ये हमारे इसमें पनीर है, बाकी ये राइस हो गया, ये दूध और चीनी चावल, बाकी सारा कुछ आइटम सब कुछ, कॉफ़ी बिस्किट्स वगैरह सब कुछ रेडी है। बस आज के खाने में हमारा जो डिनर में रहेगा हमारे चावल, और बनाएंगे हम पनीर बढ़िया सा, बाकी ये सुबह के नाश्ते के लिए मैगी है, और अभी एक कॉफ़ी पीते हैं, तो उसके लिए सारा आइटम सब कुछ रेडी है। तो दोस्तों बाहर गरज रही है, बिजली बहुत तेज, और यहाँ चली है हमारी कॉफ़ी, काफ़ी अच्छी कॉफ़ी बनाई है सुबह ने, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ भाई, आई कांट टेल यू द हैप्पीनेस गाइस, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ आपको, मतलब बता नहीं सकता हूँ मैं, इतना एक्साइट, इतना मज़ा आ रहा है ना मतलब। और कैम्प तो हमारा सेफ लोकेशन में लगा है क्योंकि पेड़ भी सारे दूर दूर है। और क्या मोस्टली एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी कैंपिंग कर रहे हैं तो पेड़ों से मतलब थोड़ा सा दूर होके अपने कैंप लगाएं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है भाई, पेड़ भी टूट सकते हैं, और बरसात के मौसम में तो भाई मतलब थोड़ा सा दूर होके लगे। बाकी कॉफ़ी भाई एक नंबर मज़ा आ रहा है भाई।
बहुत तगड़ा। तो यहाँ भाई अपने हो चुके हैं यार चावल बनने के लिए शुरू। ये हमारा छोटा सा चूल्हा कि हम मैंने तुम्हें बता ही रखा यार भाई, हम आए हैं भाई एक प्रोफेशनल कैंपर के साथ यार। उनके पास सारी मतलब सारी एसेसरीज है कैंपिंग की, कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब सारा कुछ तोड़ इनके पास है। करेंगे अपनी चावल के साथ आज हम बनाएंगे पनीर चावल बनाएंगे, तो देखते हैं कैसा रहता है। पानी तो अभी से मुँह मार है, ये देखो गाइस देख रहे हो ना, किसी का भी हो सकता है इससे काम यार। तो बस आ गया अब इसकी बारी, अब करेंगे हम थोड़ी चॉपिंग। यार बहुत तेज बारिश हो रही है, बाकी अपनी सारी कटिंग वटिंग हो चुकी है। आवाज़ पता नहीं तुम्हें आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन बारिश खतरनाक हो रही है। लाइट बिजली सारा कुछ सब कुछ हो रहा है भाई ऊपर से, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सेफ जोन में हैं। तो बाकी अपनी कटिंग वटिंग सब कुछ हो गई है, चावल हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, हम बनाते हैं पनीर। भाई फाइनली अपनी यार अब पनीर बनाने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ये हमारा यहाँ पे हो रहा है प्याज गरम हो रहा है, उसके बाद टमाटर, देन उसके बाद बनाते हैं कुछ बढ़िया सा टेस्टी सा। बाकी यार ये फैन चला रखा है यहाँ पे से ये धुआं बाहर करने के लिए। भाई यार एक बात बोलना चाहूँगा, अभी अचानक से एक चीज़ याद आई। वीडियो में तो आपको लगता होगा कि यार ये सब इतने नॉर्मल है, लेकिन भाई इतना नॉर्मल है नहीं भाई कैंपिंग करना, सीरियसली बता रहा हूँ भाई। और ऊपर से बारिश के मतलब मौसम में मतलब कैंपिंग करना फुल एडवेंचर के साथ, बिल्कुल भाई। अपनी ग्रेवी पक चुकी है और बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही है, और ऐड कर देते हैं हम पनीर। तो फाइनली गाइस अपना पनीर हो चुका है रेडी, बस सबसे खाते हैं, उसके बाद गाइस हो जाएगी गुड नाइट। तो उसे अभी खाते हैं फिर मिलते हैं। तो भाई बन चुका है अपना सारा कुछ रेडी, बस अभी से खाने की बारी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, बस खाना अभी से चेक करके बताते हैं आपको कैसा बना है। एक नंबर बना भाई, नेक्स्ट लेवल बना है, मतलब बहुत अच्छा। अरे फटाफट से एक बार बढ़िया करके खा लेते हैं, उसके बाद फिर पहले तो खाने पे ही फोकस है भाई, बोलने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि काफ़ी शानदार पनीर बनाया है भाई ने यार। भाई ने क्या मतलब दोनों ने ही मिल के बनाया है। अभी थोड़ा बारिश रुकी हुई है, बारिश रुक चुकी है, मौसम अच्छा हो चुका है। अभी बाहर जाके हमने देखा नहीं है, बाहर जाके आपको फोटोज देखो आप। जीरो विजिबिलिटी हो रही है, और भाई मेरी तो वाट लग रही है यार, खतरनाक अंधेरा कोहरा भाई, कुछ दिख नहीं रहा है। देखो मेरे तो बहुत ही बहुत हालत ख़राब हो रही भाई, मैं तो जा रहा हूँ अंदर। चारों ओर कोहरा लगा हुआ है, विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। तो वहाँ यार हमारे एसु भाई व्लॉग कर रहे हैं,
और अंदर में मैंने सोचा इनकी एक बिहाइंड द सीन क्लिप बनाऊं, तो यार बाहर निकलने की तो मेरी भाई बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, ख़तरनाक हो रहा है सीन। क्योंकि तो अभी के लिए इतना ही, बाकी फ़ोटोज़ आपने देख लेंगी तो अभी के लिए इतना ही, बाकी कल सुबह उठ के दिखाता हूँ आपको क्या सीन बनता है। ओके गाइस, मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय। तो गुड मॉर्निंग गाइस, बारिश अभी जस्ट अभी बंद हुई है, वरना पूरी रात भर बारिश थी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30, तो दिखाता हूँ आपको बाहर का वेदर अभी कैसा हो रहा है। मतलब रात भर बारिश थी तो नींद भी प्रॉपर आई नहीं, कभी आ रही थी कभी हो रही थी, कभी बारिश आ रही थी तो मतलब नींद एकदम से टूट जा रही थी। तो अभी एक बार बाहर का वेदर दिखाते हैं आपको। तो यार ये कुछ हो रहा है अभी वेदर बाहर का, भाई बढ़िया मौसम हो रहा है, उजाला जल्दी हो गया था बारिश के, उससे उतना है नहीं अभी फॉग वगैरह। तो यार मुझे तो थोड़ा ठंडा मैंने पहन लिया है, पर बाकी यार मौसम तो हो रहा है एक नंबर। देख सकते हैं आप हमारी कैंप साइड भी कितनी सही सही जगह पे थी, मतलब पेड़ हैं चारों तरफ, जहाँ पे हमने कैंप लगाया वहाँ पे कोई पेड़ वेड़ नहीं है, थोड़े से दूरी है। और यार रात हमने जो हमारा खाना बच गया था ना वो रखा हुआ था, लेकिन हमने बनाया था रात में पनीर और चावल। तो यार जिसने खाया वो सिर्फ पनीर पनीर खा के गया और चावल वैसे ही रख के गया। ये देखो बस उसने सिर्फ पनीर पनीर खाया है और चावल ऐसे ही रख के गया। अब ये पता नहीं क्या हुआ है हमारे साथ, ये मुझे भी समझ नहीं आया और जो मेरे साथ भाई आया था उसे भी समझ नहीं आया, पता नहीं ये क्या सीन हुआ है। किसी को पता है तो बताना गाइस कि चावल क्यों रख गया और पनीर पनीर क्यों खा गया, या क्या बताओ, हो सकता है कि बारिश हुई थी या उस वजह से नहीं कि चावल गीले हो गए या ऐसा कुछ इस चक्कर में। तो अब यार ये तो मुझे भी पता नहीं है कि क्या हुआ था। बाकी लोकेशन कैसी लगी और टाइम लैप्स जो भी चीज़ आपको अभी तक यहाँ पे तक वीडियो में जितना अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार बताना, और लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। तो यार दोस्तों अब जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है, मतलब कि नीचे से जो है फॉग ऊपर को आता रह रहा है, जैसे आप भी देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पीछे से ऐसे फॉग उड़ते हुए ऊपर को आ रहा है। ये देखो पूरा इधर, अभी थोड़ी देर बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ दिखेगा नहीं शायद से, ये सामने जो पेड़ दिख रहा है ना ये पेड़ भी नहीं दिखेगा लग रहा है मुझे, खतरनाक हो रहा है पीछे मौसम। तो यार मैं तो आ गया टेंट के अंदर, भाई भारी है अभी, बारिश फिर से शुरू हो गया यार। बारिश ने मतलब सही था, अनएक्सपेक्टेड थी बारिश, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो सोचा नहीं होता है वही होता है आखिर में। तो यार भाई बना रहे हैं अभी कॉफ़ी, देखो कितना सही हो रहा है मामला। तो यार बन चुकी है हमारी कॉफ़ी, भाई ने बना दी है कॉफ़ी। भाई एक नंबर है यार, ऐसे वेदर के साथ कुछ भी मिल जाए ना भाई तो बिल्कुल सही रहता है। और अभी मैं बिस्किट ढूंढ रहा हूँ वैसे तो क्योंकि भाई भूख लग जाती है यार, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहने की तो भूख लग जाती है। बाकी भाई अभी बाहर टाइम लैप्स बना रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है भाई, एक नंबर वेदर हो रहा है यार, आपने भी देखे होंगे टाइम लैप्स, मज़ा आ रहा है। तो यार दोस्तों गुड मॉर्निंग तो हो गई थी, कॉफ़ी भी पी ली है। तो यार अभी तो इतना अच्छा वेदर, इतना अच्छा व्यू पॉइंट लग रहा है और एकदम मतलब पीसफुल, इतनी शांति है, तो मन तो कर नहीं रहा घर जाने का। तो अभी क्या करते हैं, अभी एक मैगी बनाते बढ़िया सी।
तो दोस्तों यार मैगी खा ली थी। बाकी यार ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और इतनी अच्छी लोकेशन थी भाई, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा भाई के साथ। तो अब यहाँ से इस प्यारी सी लोकेशन को गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। तो बाकी अस्सु भाई बताएंगे क्या रहा आज का एक्सपीरियंस। बिल्कुल यार, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और यार लोकेशन की ना जितनी आप तारीफ करो उतनी कम है। तो ऐसे ही हमारे साथ अस्सु भाई और ज्वाइन करेंगे ऐसी बेहतरीन बेहतरीन लोकेशन पे, और फिर मिलेंगे आपसे। तो भाई गाइस मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में या कोई ब्लॉग। अभी एक प्लान और बनाया हम लोगों ने, हम दोनों ने आपस में, तो देखो क्या होता है। एक चैलेंज होगा 48 आवर्स कैंपिंग का, तो वो करेंगे। बाकी होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।